नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धौलाधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है बहुत बड़ा फैसला जो है लिया है। जो भी विद्यार्थी जो हिमाचल प्रदेश में स्टडी करते हैं, तो उनके जो है स्कूल और कॉलेज जो है कब खुलेंगे। और सरकार ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो अभिभावकों को जो है स्मार्टफोन भी जो है दिए जाएंगे। तो ये 2020 की जो है बहुत बड़ी अपडेट जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो है हमारे चैनल द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले इस चैनल द्वारा जो है मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये अपडेट जो है आई हुई है आज। तो 14 अप्रैल के बाद भी स्कूल कॉलेज खुलने के कम ही चांस जो है इन्होंने बता रखा है। तो आगे इन्होंने बता रखा है, जो हमारे शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ग्रामीण के क्षेत्रों के छात्रों तक पहुंचाएंगे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। अभिभावकों को स्मार्टफोन जो है देने तक की जो है तैयारी सरकार ने जो है बता रखा है कि स्मार्टफोन भी जो है अभिभावकों को दिए जाएंगे। तो पूरी जानकारी जो है हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से पोर्टल पे जो है आपको बुक्स स्टडी मटेरियल जो है मिलेगा। तो पूरी इन्होंने बता रखी है जानकारी, तो बताते हैं हम आपको। 14 अप्रैल के बाद स्कूल कॉलेज खोलेंगे, इसके चांस बहुत कम लग रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने शिक्षा विभाग को अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में छात्रों तक जो है स्मार्ट स्टडी पहुंचाने के बारे में कहा है। अब शिक्षा विभाग का फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को भी ऑनलाइन सिलेबस इस्तेमाल करना आ रहा है या नहीं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अभिभावकों के पास जो है स्मार्टफोन है भी या नहीं, इस तरह भी फोकस होगा। तो इस पर भी जो है उन वो फोकस करेंगे। बताया जा रहा है कि अभी भी ऐसे अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। ऐसे में सरकार ने निर्देशक दिए हैं कि अगर आगामी परिस्थितियों को देखकर कर्फ्यू के समय को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई पर फोकस होगा। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यहाँ तो अभिभावकों को स्मार्टफोन तक उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, या फिर शिक्षकों को आदेश दिए जा सकते हैं कि वे अपनी नज़दीकी छात्रों को घर पर बैठकर जो है कुछ घंटे पढ़ाएं। तो दरअसल शिक्षा विभाग ऑनलाइन स्टडी के अलग अलग तरीके अपना रहा है, जिसमें पहले से ही स्वयं सिद्धम पोर्टल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वयं सिद्धम पोर्टल जो है इन्होंने यह बता रखा है, जो कि पहले भी जो है ऑनलाइन स्टडी जो है करते हैं छात्र। तो कक्षा 1 से जमा 2 तक के छात्रों के लिए पोर्टल पर पूरा जो है सिलेबस दिया जाएगा। इसके साथ ही UGC के निर्देशों के बाद कॉलेज व यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया जाने लगा है। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए सरकार शिक्षण संस्थान बंद रखने पर जो है विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी स्कूल कॉलेज बंद ही किए जा सकते हैं। बता दें कि समग्र शिक्षा विभाग ने स्वयं सिद्धम पोर्टल पर भी कक्षाओं का सिलेबस डाल दिया है। इसके अलावा जमा 1 व 2 के छात्र के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है तैयार करने के मकसद से भी प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध करवाएगा। इसके ऑनलाइन दिशा पोर्टल जो है इन्होंने बता रखा है, 80,000 किताबें जो है कक्षा 1 से जमा 2 तक के छात्रों के लिए जो है मुहैया करवाई गई हैं। NCERT CBSE का पूरा सिलेबस दीक्षा पोर्टल पर HMRD ने छात्रों की सुविधा को लेकर डाला है। तो अब हम बताते हैं हम आपको कि कितनी बुक्स और कौन कौन सी बुक्स के बारे में इन्होंने जो है पोर्टल बताए हुए हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये इन्होंने जो है ई पाठशाला पर मटेरियल अपलोड किया हुआ है, ई पाठशाला। तो आप देख सकते हैं ई पाठशाला के वेब पोर्टल पर भी NCERT ने 1886 ऑडियो जो है इन्होंने ऑडियो लेक्चर्स जो है डाले हुए हैं, 2000 जो है वीडियो डाली हुई हैं, वीडियो लेक्चर्स,
695 ई बुक्स डाली हुई हैं जो कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बुक्स को, 504 जो है फिलिप्स बुक्स डाली हुई हैं, ऑनलाइन उपलब्ध करवाई हैं। अहम यह है कि MHRD ने नेशनल रिपोजिट्री ऑफ ओपन एजुकेशन जो है इन्होंने रिसोर्सेज पोर्टल पर भी छात्रों के लिए स्टडीज़ में डिटेल डाल दिया गया है, जिसमें 14,527 फाइल डाली गई हैं, वहीं 401 जो है 401 कलेक्शन 2,779 जो है डॉक्यूमेंट 1,345 इंटर इंटरेक्टिव और 1,664 ऑडियो डाली हुई हैं ऑडियो लेक्चर्स और 2,586 जो है इमेजेस जो हैं उन्होंने डाली हैं, जिससे आप जो है देख सकते हो अपनी स्टडी के हिसाब से जो आप आर्टिकल या टॉपिक पढ़ रहे हो। और 6,153 जो है वीडियो जो है इन्होंने अलग अलग भाषाओं में जो है MHRD ने डाली है। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मैंने आपको बताई, बहुत ज़रूरी अपडेट जो है ये आपको बताना मैंने समझा। तो आप जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता लग सके कि हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री ने जो है क्या बड़े फैसले लिए हैं एजुकेशन के रिलेटेड, और इन्होंने जो है किस वेब पोर्टल पे जो है बुक्स अपलोड करी गई हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।